बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाई, उम्मीद करने ठीक ठाक हो। सो जिथे रहो खुश रहो, आबाद रहो, तसते मुस्कुराते रहो, तुहाड़ियां दुआवां दे नाल असीं ठीक ठाक हाँ। शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह पाक हाथ रहमत करे, हर नूं तंदरुस्ती देवे, सेहत देवे, जिंदगी देवे। तो जिहड़े मेरे बहना भीरा बीमार, उन्हां अल्लाह पाक शफा देवे, ते जिन्हां कोल औलाद नहीं उन्हां अल्लाह पाक नेक औलाद देवे, ते जिन्हां कोल कारोबार उन्हां अल्लाह पाक कारोबार देवे, ते अल्लाह पाक हर तरह रहमत करे। ते अल्लाह दा नां लै के आए ते वलो दा करने आगाज़। टाइम काफ़ी हो गया ते मैं ना हूँ अजे तो इन्हें दुआ सलाम ही लिया कि सांझ रोजाना टाइम तो निकल गई है भी डंगर के पट्टे पाड़े न। तो हूँ घर आई आटा गुद्धा है, तो बच्चों भुख लगी, बाहर तो किसी रोटी खा खाता ही कोई नहीं, क्योंकि बुखार की वजह से तो तबीयत उनकी काफ़ी खराब है। तो सारे ने बहना भाइयों ने यही रिक्वेस्ट है भी ना जरूर दुआ करा भी अल्लाह पाक ना तंदुरुस्ती दे, क्योंकि मेरा भाई कम या हालात अगे पिछे हो जाते हैं, तो घर मंजित बैठे तो बड़ा असर आता, क्यों बिलाल घर छाड़ जाने है। चलो जित जो हम तो कर नहीं सकता ना, तो बच्ची आके पानी पुनी पिवा तो लेंदी है, तो इस वास्ते ना तो बड़ा सहारा आता। तो अल्लाह पाक ना हर तरह मत करे, हर तंदुरुस्ती देवे। तो हूँ मैं ना आटा गोन ला तंदूर बाली है, तैयार हरिया मिर्चा लिया बच्चिया, कल असा सालन पकाया, जो नलके वास्ते मिस्त्री आया ना उन्होंने वास्ते सालन पकाया, तो हरिया मिर्चा लिया असा तिड़का के तीन दिन रोटी खाती। शुक्र अल्लाह पाक का इतना भी, क्योंकि मुझे ना कोई मेहनत मजदूर करा रूह चुगदियां ने साडे को जा चुगदियां हां जी। ते अलीश भाभी भी तो पानी लाया आंदा है, ते आ रखण लगी है, ते बाजी जिहड़ी ना साडा जिहड़ा नलका लवा रही है, अल्लाह उहदे बच्चों की जिंदगी करे। तो मैं शुक्र गुजार हाँ रब की दात का, जिहड़ा साडे वास्ते वह वसीला बनिया, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती देवे, उन्हें बच्चों की जिंदगी करे। तो उस आख्या भी यह पखुआ कान जड़ा है ना, ये तुसी पानी जड़ा है ना ये रख छड़िया करो, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो पखू भी पी लिया करेंगे। हुण असी बैठे हाँ दरख्त आ छोटे छोटे जड़े असं झाड़ियाँ लाई हुई इन थले, तो शुक्र है हाली हैं तो छुटकियाँ, तो असनैन भी बाहर कटिया, क्योंकि इतनी हवा छंदे रहे कि पखे की गुंजाइश कई नहीं, बहुत ज़्यादा जड़ा है ना इस वजह तो, क्योंकि आज हवा माशाल्लाह जा बड़ी गुली हुई है। तो आए बिलाल हो रहा हूँ बिलाल, तो अलीशबा बीबी जड़ी ना हूँ पक्की जड़ी है ना जे साणा खोल बह गई है, तो आ छोटी जी असा साणा खिला जाती है, तो पानी पा छड़िया परिंदिया वास्ते, तो वो पीवन गए कोई रोटियां भी जड़िया ना वह भी असं बेच के जड़ा ना इंदे विच इस्तेमाल कर लैने जितनी गुंजाइश हो, क्योंकि जितने पक्कू खावेंगे दुआ करेंगे। तो मैं तो मतलब काम कर नहीं सकता हूँ, टाइम साढ़े को काफ़ी हो गया, मंजी से बैठा तो मैं जी अज ते बहनों भरावान नाल गल कर रहा, अड्डा अल्लाह ताला तुहाडे बच्चों नूं भी तंदुरुस्ती देवे, तुहानूं भी तंदुरुस्ती देवे, जिहड़े बहना भरा वेख रहे ने। तो मैं ये गुजारिश कर रहा, बार बार गुजारिश कर रहा, मेरे वास्ते या बिलाल वास्ते जरूर दुआ करिया है, कोई समझ नहीं मैनूं लगदी वी मेरे नाल होया की है, कोई ना कोई मसला बनिया ही रहिंदा, क्योंकि गुरदे दे विच पत्थरियां उन्हां दसियां ने, एक ज़्यादा ने एक थोड़ियां ने। हाँ जी, तो मैं आ गया जी कमरे दे विच, चाहे माशाल्लाह तुहानूं हरा रोज़ हालात विखाने, जिहड़ी थां जगह ते कच्ची जगह है वह भी तुहानूं विखाईए, तो इहदे हालात तुसीं आप खुद देख लो, क्योंकि बारिश आवे तो इहदे डिग्गण दे मकाम हैन या नहीं हैन, ऐ हालात यकीन करो वी गर्मी होवे या सर्दी होवे, सर्दी दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी ना सर्दी आनी शुरू हो जाती, इस दे विच असीं जिहड़ा ना गुजारा करदे पए हाँ। तुम वेखो जे सा रोशनदान बने हुए ने, जो मेरे को इतनी फुरसत होंगी तो मैं तो जनरटी प्लस्तर क्यों ना करा लेंदा, रब बारे से हूँ तुम्हें मैं आखा भी ये बिल्कुल आवाज़ खड़ा है, क्योंकि आ टीयर गाडर पाए हुए ने तो उत्ते टाइल पाई हुई है, कमरे की हालात है, तो रब की दात गुंजाइश दसी तो जो ना इंदा भी कोई बनावे, लेकिन हाले तो इंदा आप दी जान दी पई होई है, ते पक्कू ना रोटी खांदे पानी पे कोल बैठा मुड़ो थोड़ा जा करेंदे ते।
फिर ना रोटियां ही लिश मैं बोर के सटियां ने ते होर ना साड़ी किस्मत वेखो भी असा ना मर्चा रखियां तंदूर दे वेच मैं कि चल बना के ना ते रोटियां खा ली सा तो मैं ना को काम करन हो गई तो बस कतरे ते वेख है ना ता रोटियां तो मैं पका रही हां पर तो मर्चा बाद आ चे रखियां ने ते मर्चा बिल्कुल साड़ गईयां हुन दोबारा फेर ना प्याज कटे ने मोटर तो बिलकुल पानी चाया ही नहीं सुबह रात को ड्रामे बाहर रखा ना बे बर्तन वगैरह या कपड़े धोने वास्ते डंगा सुबह पिवाया बिलाल मार के लोग नवावना कल कोई नहीं नापा अज मोटा मोट पानी कोई नहीं चाया तो कपड़े घर सारे बच्चों के मैं चल पड़े कुतर लें तो मोड़ना बच्चों के कपड़े दोस्त है बिलाल करन छावे वाली कतिया हां देखो क्यों ते थावा चोने आसरा है क्या हां देखो ये ना ना आसरा है ते करन परिंदिया के लिए एंदे विच पानी पे के रखया आया है कुछ वे टुकरे रखे हां जी हां जी तो पट्ठे में कुतर लाने खराब ना कर बस एक बार तबीयत खराब होने टाइम लगा ही कोई नहीं आज ना मैं जल्दी जल्दी धो लेना जहा पाए ना पड़े ना अलिश बात अस नैन नवा क्योंकि नानू मैं सीते स्कूल सबक लवन गलना ते इन नवैनी पैन को डंगर पट्ठे गात लवा तो कपड़े तो मैं धो लेने सनैन तलिश बजड़ो तैयार हो गए सबक लवन जा रहे स्कूल का मस्जिद का भी तो इन्होंने साफ नवा दुआ कपड़े दुआ के तो मोड़ना इन्होंने गलिया मैं हूँ मैं पिछला कर ली सर का कारोबार बर्तन वगैरह जेड़े कराने वाला तो मोड़ना बिलाल भी नवैनी कहीं ना जल्दी ना लेट हो खड़ी आए इस वास्ते बिलाल भाई पहनते नहीं खुदा आप तू भी करी मिट्ट बिलाल करे माए करे मातरे अंजो ने भी खुदा हाफिज करना पे भाग गया मस्जिद ते जे एक जने सा बिलाल नवावणा वन त सही तरह नवैने आ हुन मैंने नु खाडे धो के ना ते पानी ना ठड्डा करके खाडे दे पा दित्ता हुन मैं नवा लेसा क्योंकि चार पाए ते हेठ पैर करके बांधदा ते इस तरह ना थल्ले आई ते नहीं बा सकदा इस तरह मैंने नवे लम्या करके ते नवावणा ते दो जने हाथ मोड़न बवा के नवा लेने ते जे एक जने नवावणा पर मुड़स बिलाल नु इस तरह नवैने आ क्योंकि खाडे च नहीं बच सकता तला पाख ना हर बच्चों त रहमत करे हर तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे जिंदगी देवे दोपहर ना मैं आई हाँ तो पानी कोई मोटर चाय होया पर खाडा धोता धो के ना ठंडा किया कपड़े पवा लाए ने नवा के लाया आंदा तो ना शुक्र है जो नाक चोट आ सुना वो भी जख्म घोल गया मिठू ता मुँह करे बिलाल माए सलाम तो लिया कर सोना लवे हां जी तला पाक ना इतना सुनदा है ते ना गल्ला नहीं करदा छोरों की भी ना बड़ा सोहना पढ़ते पैन तो अल्लाह पाक कर सी तो ना पढ़ जैसे तो अल्लाह पाक ना हर दे बच्चों रहमत करे तो हर दे बच्चों ने ना तलीम करा तफीक दे तल किसी सदा अल्लाह करे साडे बच्चे पढ़ जाए तो घर का काम ही कर लैन बर्तन वगैरह धो लैन तो आटा जमे हूँ गुनना रोटियां हूँ पकड़ बिल्कुल शाम हो ही खड़ी हूँ एक जनिया करेंद्या करेंद लेट हो गई है तो वीडियो से किसी को चढ़ावनी होंगी इस वास्ते ना मैं क्या भी ना टाइम ना बंद वीडियो करके ना तो मुझे चढ़ा ली सा क्योंकि रात में 11 बजे वीडियो चढ़ाई है जे अल्लाह पाक हर तरह मत करे हर इंसान रुस्ती देव सेहत देव जिंदगी देवे
असं तो हर टाइम ने भैन भाई दुआ ही कराने गरीब बंदा दुआ ही दे सकता और की दे सकता। अल्लाह पाक हर तरह मत करे। अज तो लोग कैसे भैन भाइयों को लेने इजाजत।